माय फेवरेट टॉप 10 में अब रह गई हैं 3 फिल्में, और ये 3 फिल्में बड़ी ख़तरनाक फिल्में हैं। इनमें से मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं किसको डिसाइड करूँ, 1, 2 और 3। ये चार, चौथे नंबर की भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने अपने दिल पे पत्थर रखे उसको किसी तरीके से चूज़ कर लिया। लेकिन अब जो 3 फिल्में हैं वो वाकई बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी अगेन मैं दिल पे पत्थर रख के और बड़े बोझ के साथ जो है मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये नंबर 2 पे होगी या नंबर 1 पे होगी। लेकिन मैं, खैर, टेक्निकली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग फिल्म थी और बड़ा रिकॉर्ड होल्डर फिल्म है, और बहुत इस फिल्म से यादें वाबस्ता हैं, और इस फिल्म ने बड़ी दुनिया में धूम मचाई। तो नंबर 3 पे है इंटरनेशनल गोरिल्ले। इंटरनेशनल गोरिल्ले प्रोड्यूस की थी सज्जाद गुल साहब ने, एवेन्यू पिक्चर्स की ये फिल्म थी, और ये वाहिद फिल्म है जो जान साहब ने एवेन्यू के लिए की। अदरवाइज़ उनकी बेशतर फिल्में जो हैं एवरेडी के लिए ही हैं। मैंने जिक्र किया था मनीला के जानबाज का कि उस वक्त प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी कुछ नाचाकी हो गई थी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सज्जाद गुल साहब ने जान साहब को साइन कर लिया एज ए डायरेक्टर, वरना तो पीछे कोई 7-8 फिल्में जो हैं वो जान साहब की एवरेडी के साथ ही चल रही थी, और आगे भी, खैर, इसके बाद भी एवरेडी के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि वो एक ऐसा मेल है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जान साहब का सतीश साहब के साथ, सतीश साहब का मेरे साथ, मतलब एक बाउंडिंग है हमारी, ऐसा लगता है कि खून का रिश्ता है। इंटरनेशनल गोरिल्ले का सेंट्रल आइडिया जो है वो लिखा था नवाब मुहिउद्दीन साहब ने, और जब इसका सेंट्रल आइडिया बेसिकली सज्जाद साहब ने डेवलप किया हुआ था कुछ सेंट्रल आइडिया, तो जब मेरे वालिद ने सुना तो उन्होंने कहा कि यार, मतलब वो लिटरली उन्होंने कहा कि मैंने अपना सर पकड़ लिया कि नवाब साहब ने जो आइडिया अभी पिच किया है वो फिल्म जहाँ ख़त्म होनी चाहिए वहाँ से शुरू हो रही है, और जहाँ शुरू होनी चाहिए वहाँ से ख़त्म हो रही है, तो मैं कहाँ इसको कितना सही करूँगा। जान साहब का अपना एक स्टाइल था काम करने का, तो बहरहाल सज्जाद साहब ने बहुत कोऑपरेट किया फिर, और फिल्म में इनकॉपरेट किया नासिर अदीब साहब को। मेरे वाले साहब इस फिल्म के स्क्रिप्ट का जितना क्रेडिट है 99% वो नासिर अदीब साहब को ही देते थे, कि नासिर अदीब अगर नहीं होते तो शायद जो है वो कहते मैं ये फिल्म ही छोड़ देता, क्योंकि जान साहब के जो फेवरेट राइटर थे वो थे सैयद नूर साहब। इस फिल्म में जो है वो सज्जाद साहब की अपनी टीम थी, नासिर अदीब साहब, नवाब मुहिउद्दीन, मजीद कुछ एक्टर्स के हवाले से भी उनकी अपनी एक टीम थी। इस फिल्म की जब कास्टिंग शुरू हुई तो जान साहब का भी एक अपना एक मिजाज था एक्टर्स के हवाले से, और सज्जाद साहब का भी अपना एक मिजाज था। सज्जाद साहब बनाते थे फुल इस वक्त, मतलब जो स्विंग में एक्टर्स होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल नदीम साहब उर्दू फिल्मों पर छाए होते थे तो वो उनकी फिल्म में होते थे, सुल्तान राही साहब पंजाबी फिल्मों में छाए होते थे वो भी उनकी फिल्म में होते थे। तो मेरे वाले साहब का अपना एक मिजाज था, वो कहते थे कि एक गुड ए क्लास कास्ट लेके मैं फिल्म बनाता हूँ, या गुड बी क्लास कास्ट लेके फिल्म बनाता हूँ, मुझे बहुत ए क्लास कास्ट चाहिए नहीं, क्योंकि वो एक्टर्स बहुत बिजी भी होते हैं और फिर उनके कुछ नखरे भी होते हैं, तो वो जो है थोड़े एक्शन ओरिएंटेड आदमी थे, तो वो कहते थे कि मुझे नखरा नहीं चाहिए किसी एक्टर का, मुझे वो एक्टर चाहिए जो सुबह 6 बजे बोलूँ रेडी तो रेडी, और रात को मैं कहूँगा जी 4 बजे तक शूटिंग करनी है तो कह जी करो। वो बेसिकली वो मजदूर एक्टर पसंद करते थे। तो उन्होंने बहरहाल अपनी एक सज्जाद साहब ने कहा कि जी इस फिल्म में ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। तो एक मुस्तफा कुरैशी साहब का जो कैरेक्टर था, ये शायद मुस्तफा कुरैशी साहब को भी नहीं पता होगा, उस पर सज्जाद साहब जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे नदीम साहब के लिए, और मेरे वाले साहब इंसिस्ट कर रहे थे मुस्तफा कुरैशी साहब के लिए। तो खैर बड़ी मीटिंग्स हुई और बहुत मामलात हुए, लेकिन जो है फतेह जो है वो फिर डायरेक्टर की हो गई इस मामले में, और फिर कुछ चीज़ें जो है वो सज्जाद साहब की, जाहिर बात है प्रोड्यूसर थे तो उनकी तरफ से भी मानी गई। दीदार करना चाहने, लुक शी इज़ देयर। बेशक खां किसी भी वजूद चो आर पार हो सकती है नहीं।
जैसे मैंने आपसे कहा कि स्क्रिप्ट का क्रेडिट देते हैं नासिर अदीब साहब को, जान साहब, इसी तरह वो कहते थे कि इस फिल्म को जो इतनी अच्छी ये फिल्म बनी उसका 99% क्रेडिट जाता है सज्जाद गुल साहब को, क्योंकि मेरे वाले हमेशा एक बात किया करते थे कि एक अच्छा प्रोड्यूसर ही अच्छी फिल्म बना सकता है, चाहे डायरेक्टर कितना ही अच्छा हो। बल्कि मुझे इस पर एक मिसाल याद आ गई, मैं एक ऐड शूट करने वाला था उसमें थाईलैंड में जाके, उसमें इजहार काजी साहब थे, तो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी मेरी इजहार काजी साहब और क्लाइंट की, प्री प्रोडक्शन मीटिंग जिसको हम कहते हैं। उसमें जो है वो क्लाइंट ने कहा, इजहार साहब कोई ऐसी एक्टिंग करें आप इसमें, ऐसी परफॉर्मेंस दें कि लोग कहें वाह वाह क्या बात है, ऐड आप कर रहे हैं तो कमाल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखें जी मैं तो हूँ बंदर, मेरा काम है नाचना, ये डायरेक्टर बैठे हुए तो ये डुगडुगी बजाएंगे और मैं नाचूंगा। अब इनके ऊपर है कि ये कितनी सुरीली और कितनी रिदम में डुगडुगी बजाते हैं तो मैं उतना अच्छा नाचूंगा। तो वो क्लाइंट मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, उन्होंने कहा कि जमशेद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं इजहार भाई, और आपने जो ना ऐसा काम लेना है इनसे कि ये जो ना लोग कहें कि जी क्या काम हुआ है। तो इजहार भाई ने कहा एक मिनट मेरी बात अभी कम्प्लीट नहीं हुई, वो जो डुगडुगी ये बजाएंगे ये डुगडुगी आप इनको देंगे। अब आप इनको फटी हुई डुगडुगी देते हैं, इनको बेसुरी डुगडुगी देते हैं, इनको टूटी हुई देते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो इसी तरह मेरे वालिद कहते थे कि एक अच्छी फिल्म जो है वो अच्छा प्रोड्यूसर बनाता है। तो सज्जाद गुल साहब एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, हैं, और मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी फिल्में बनाएँ, क्योंकि जो उनका मिजाज था वो तो शायद आज तक पाकिस्तान में किसी प्रोड्यूसर का मिजाज नहीं रहा। एक कमाल फिल्म थी इंटरनेशनल गोरिल्ले, और इसकी कास्ट में जावेद शेख साहब, गुलाम मोहिद्दीन साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी, अफजाल अहमद, हुमायूं कुरैशी, बाबरा बेगम, नीली बेगम, जहाँज़ेब, रंगीला साहब, अलवेला साहब, बहुत बड़ी कास्ट थी। इंटरनेशनल गोरिल्ला जिस सब्जेक्ट पे बनी वो सब्जेक्ट आज तक पूरी दुनिया में नहीं बना, बेसिकली वो सलमान रुश्दी के ऊपर बेस्ड थी। और इस फिल्म की जब रिलीज़ हुई तो इसको इंग्लैंड में बैन कर दिया गया, और उसके बाद एक स्पेशल परमिशन के तहत उसको चंद शोज़ दिए गए, और वो वहाँ पे भी सुपर हिट हुई, पाकिस्तान में भी सुपर हिट हुई, और ये बहुत महंगी और बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। टेक्निकली मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान में आज तक इससे अच्छी एक्शन फिल्म बनी हो। मतलब आप उसके थ्रिल्स देखें, उसके एक्शन देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का वर्क उस वक्त 90s में, कंप्यूटर ग्राफिक पाकिस्तानी फिल्म में वो सोच भी नहीं सकता था कोई इंसान कि हो सकता है। और परफॉर्मेंस वाइज और स्टोरी लाइन वाइज, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, डांसेस, हर चीज़ उस फिल्म की एट पार, मतलब आउट क्लास थी। और ये एक ऐसी फिल्म थी जो उस ज़माने में 3-4 फिल्में एक तरफ, उनका बजट एक तरफ और इस फिल्म का बजट एक तरफ, लेकिन उसके बाद भी पैसा रिकवर भी हुआ और प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा भी हुआ और बेहिसाब हुआ। जदों भी मौलवी बन के बोले कमाल बोले, आज सिर्फ असली बोलेंगे गुस्ताख रसूल, ए जमीन भी बोलेगी, आसमान भी बोलेगा।
ईमान भी बोलेगा। पूजन तो पहले फड़कना शोले दी फितरते गुरीले। मैं अक्सर नू अगले जान भी साथ ही रहेगी बिगड़ता।